दोस्तों, मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज आपको हम भरवा करेला बना के दिखाएंगे। साधारण तरीके से इसमें कोई भी ज्यादा तिमझाम नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले तो आप एक काम करिए कि जैसे ये हमारा करेला है तो आप ये देखिए, हमने ये तीन चीजें ली है, आपको तीनों तरीके से बताते हैं। आप इनको या तो इस तरीके से छील दीजिए, किसी को छिलका कम पसंद है, या तो आप इस तरीके से करेले को छील दीजिए। यदि आप नहीं उस तरीके से छीलना चाहते तो इस चाकू से आप इस तरीके से छील सकते हैं। और यदि आपको छिलका नहीं हटाना है तब भी आपको एक काम करना होगा, जैसे हमने ये करेला लिया, इसको खरोचना है। ये जब खुरखुरा हो जाएगा तो हम नमक लगाएंगे, तब इसमें नमक अंदर से पानी को खींचकर, कड़वे पानी को खींचकर बाहर निकाल देगा। तो आपको अगर इस तरीके से छिलके नहीं हटाने हैं तो आप बस इस तरीके से रफली उसको कर दीजिए, हल्का हल्का। ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं, इससे आपका छिलका भी नहीं खराब होगा और आपके करेले में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत लोग नमक नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट करेला बनाते हैं, लेकिन वो करेला काफी कड़वा लगता है खाने में। अब इसको हम, ये देखिए आप, सब खुरखुरा हो गया है। अब इसमें जब हम नमक लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पानी को बाहर निकाल देगा, तब इससे आपका कड़वापन नहीं रहेगा। हमने इसको हटाया है, इस छिलके को वो ऐसे बना देती है। इसकी स्किन जो है इतनी पतली होती है कि ये झुलस जैसी जाती है जब हम लोग इनको ऑयल में फ्राई करते हैं। जब इस छिलके को हटा देते हैं, एक तो नमक लगाते हैं तो इस ऐसे निकलेगा नहीं पानी इससे। जब इसको ऊपर की लेयर हटाते हैं तभी इसका पानी बाहर निकलेगा नमक लगाने के बाद में। और जब हम फ्राई करेंगे तो जो हार्ड वाली लेयर है अंदर की आ जाती है, तो ये बहुत अच्छा इसमें भूनने के बाद सौंधापन रहता है। और जब नहीं निकालेंगे तो ये स्किन झुलस जैसी जाएगी। आप कभी भी बना के देख लें, इसके और इसकी स्किन में काफी अंतर आ जाता है, टेस्ट में अंतर आ जाता है। अब हम आपको नमक लगाने का तरीका दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप नमक डाल दीजिए। नमक कम ना डालें, ज्यादा ही डालें, क्योंकि इसके अंदर जाने वाला नहीं, जो आप परेशान हो कि नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको इस तरीके से इसको रगड़ के नमक लगाना है। ये नहीं बस डाल दिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। कहीं पर कम हो तो आप इस तरीके से फिर डाल दें। सारे करेलों को इस तरीके से आप रगड़ दें। तब इसमें अभी आप देखिए कितना पानी निकलेगा, हम आपको भी दिखाएंगे जब इसमें पानी बाहर निकलेगा। ये देखिए, इस तरीके से सारे करेले में हमको लगा देना है और इनको ठीक से सब करेले में नमक लगना है। सब लगा दिया, अब आप क्या करें, इनको एक तरफ सब रख दीजिए इस तरीके से साइड में। अब इस तरीके से कोई कटोरी लेकर के इसके नीचे साइड में आप ये देख सकते हैं, इसको एक तरफ से ऊंचा करना है थाली को, और ऐसे करेले रख करके इनको आप छोड़ दीजिए। जो भी पानी इनसे डिस्चार्ज होगा वो सब इस जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप धीरे से पानी को हटा दीजिएगा। अभी पानी जो निकलेगा हम आपको दिखाएंगे। इसको कम से कम आप आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तब तक आप कोई भी खाना बनाने की तैयारी कर दीजिए। आप इसको रात में लगा कर रख सकते हैं, सुबह बना सकते हैं, दो घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, जैसा आपके पास समय हो आप इनको रख दीजिए। ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका सारा कड़वापन निकल जाएगा। ये बच्चे भी खा लेते हैं जब हम लोग नमक लगा के बनाते हैं इनको। ये देखिए आप, कितना पानी इसमें निकला हुआ है। अब इस पानी को आप हटा दीजिए। अब आप इनको धो लीजिए। इनको धुलना ऐसा है कि आप जैसे किसी बाउल में डाल दीजिए और खूब इस तरीके से रगड़ रगड़ के इनको साफ कर दीजिए। ऐसे इनका सारा नमक छूट जाएगा, उसमें जो कड़वापन है वो पानी में ही निकल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे तो दो पानी से धो ले, नहीं तो एक ही पानी से काम चल जाता है, आपके मन पर है। आप चाहे तो दो बार धो ले। ये आप देखिए कैसे इसमें सब छूट जाएगा, जो कि जो छिलका लगा रह गया हल्का फुल्का वो रगड़ने से छूट जाए। इसी तरीके से आप सब धो लीजिए। ये देखिए, अब इनको हम इस तरीके से कट लगा लेंगे सब में, सब करेले में। ये देखिए, अब इसमें आप कीड़े भी देख लीजिए, अंदर कीड़े हैं कि नहीं है। अब कट लगाने के बाद में हम अभी मसाला तैयार करेंगे इन करेले का, अभी आपको दिखाएंगे। बस कट इतना ही लगाइए, आपने इधर से ज़्यादा लगा देंगे तो ये फट जाएंगे और इधर नहीं आना चाहिए बैक साइड में। इस तरीके से सब करेलों में आप कट लगा लीजिए। ये देखिए, हमने सब करेले कट कर लिए हैं। अब आपको इसका मसाला तैयार करके दिखाते हैं। ये इस समय कच्चा आम काफी आ रहा है, तो उसी से आप बनाए करेले तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा। और हमारे दो बड़े साइज के प्याज हैं, ये लहसुन है,
15 जावा करीब है लहसुन का। अगर आपका जिस हिसाब से करेला हो, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, उस हिसाब से आप मसाला घटा बढ़ा लें। अब आपको इसमें डालने वाले मसाले दिखाते हैं। इस तरीके से एक हम पैन ले लेंगे और पैन ले करके उसमें हम मसाले डालने शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर दीजिए। अब हम इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे, 1/4 चम्मच मेथी डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। जीरा का जस्ट डबल सौंफ यूज करें आप। और ये 4 बड़ी चम्मच खड़ी धनिया है। इस जगह पर आप पिसी धनिया, पिसी हल्दी सब यूज कर सकती हैं। हमारे पास हल्दी पिसी है इसलिए अभी बाद में डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही है, धीमी धीमी आंच में इसको भूने दें। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है भुंज करके। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी आपका जितना मन हो डालें, बहुत जगह हल्दी नहीं पड़ती है, आप चाहे तो ना भी डालें कोई बात नहीं। अब इसको हटा दें, गैस ऑफ कर दीजिए। अब इसको इसी प्लेट में निकाल लीजिए। अभी ठंडी हो जाए, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। चाहे तो आप सिल पर भी पीस सकते हैं। इस ये मसाला कच्चा मसाला भी यूज होता है, लेकिन आपको कच्चा मसाला पीसने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको धूप में जरूर रखें। धूप में रखने के बाद में मसाला कच्चा बहुत अच्छा पीस जाएगा। ये देखिए हमने मसाले को पीस लिया है। अब ये प्याज, अमिया, लहसुन सब चीजें ऐड करके पीसेंगे। इसलिए हम उसको पहले पीस लेते हैं कि वो सूखा होता है तो बहुत जल्दी से महीन हो जाएगा। और बाद में उसको निकालने के बाद में इसको अलग इसलिए नहीं पीसते हैं कि साथ में जब पीसेगा तो इसके इसमें लस एक आ जाएगा, इसलिए सब साथ ही में पीस दीजिए दोबारा। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब इसको पीस लीजिए। ये देखिए हमने मसाला पीस करके रेडी कर लिया है। अब हम इस तरीके से करेले को लेंगे और मसाला को ऐसे भर देंगे। इसमें गीला हो गया है तो आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। पैन रखिए, पैन में मसाले को डाल दीजिए, आप तेल भी न डालें उसमें, और बस मसाले को हल्का सा भून दीजिए। एकदम से मसाला आपका सूखा हो जाएगा। इसी तरीके से सारे करेले हम भर लेंगे। ये देखिए हमने करेले भर लिए हैं। अब हम इनको सब करेले को इस तरीके से कुकर लेंगे और उसमें लगा देंगे सारे करेले। पेट इसका करेले का ऊपर होना चाहिए मसाले वाला, और ये इस तरीके से लगाएंगे। इनका पेट नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा मसाला निकल जाएगा। एक लेयर हमने लगाई है, ये देखिए। और हम जब दूसरी लेयर लगाएंगे तो इसके ऊपर से रखेंगे, जो नीचे वाले का चिरा हुआ भाग पेट जो है ढक जाए। इस तरीके हमने सब करेले इसमें लगा दिए हैं। करेले हमेशा जिस तरीके से सब्जी डालते हैं वैसे नहीं डालना चाहिए, तह लगा करके ही उनको एक एक करके रखना चाहिए। अब हम इनमें 1/2 कप पानी डाल करके, और इनको पहले तो हम इसको बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ही चढ़ा देंगे, इसलिए कि ना इसमें जो भी पानी थोड़ा बहुत है वो और निकल आएगा तो आपका करेला जलेगा नहीं। और आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग मोमोज बनाते हैं। उनको पानी कढ़ाई में रखिए और जाली रखिए, उनके ऊपर इसको लगा ली, उसमें 40 मिनट लगता है करीब। और ये एक सीटी में आपका कुकर से बिल्कुल बॉइल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा करेला उबल जाएगा। ये देखिए पहले आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, उसके बाद में इसको जब कुछ प्रेशर बढ़ने लगे तो बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए हमने करेला बॉइल्ड कर लिया, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, अब इसको फ्राई करते हैं। सच बताएं हम तो करेले कभी जो है फ्राई किए हुए खाते नहीं, बस कब खाते हैं थोड़ा सा चेंज करना होता है, फिर हम जल्दी जो है फ्राई करेला नहीं खाते हैं। बस इसी तरीके से बॉइल्ड करके अपना फ्रिज में रख लिया और इसे निकालते हैं, इसे खा लेते हैं। हमको फ्राई वाला करेला कम पड़ा, इसी तरीके से सब आप इसमें डाल दीजिए और धीमी धीमी फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने को इनको उलट पुलट करके पका लीजिए। देखिए इनको हम उलट करके देखते हैं कैसे हुए। अब आप ऐसा करा करें जैसे आप आधे करेला फ्राई कर लें और आधे करेला इसी तरीके से बॉइल्ड रख लें, जिससे कि आप कभी जैसा करेला खाने का मन हो वैसा आप
आपको सीक्रेट बताते हैं, यदि कभी आपका करेला ज़्यादा उबल जाए, ऐसा होता है कभी कभी सूख जाओ तो करेला जो है ज़्यादा उबल जाता है, तो आप उसको थोड़ी देर बंद करके किसी टिफिन में फ्रिज में रख दीजिए। अगर बंद नहीं करके रखेंगे ना तो इसकी स्मेल दूसरी चीज़ में चली जाएगी, दूसरे सामान में, दूध है या कोई भी आपका सामान ऐसा रखा है तो इसकी जो करेले की खुशबू है बहुत फैलती है, उसमें चली जाएगी, तब ये आपका दूसरे चीज़ों का टेस्ट बिगाड़ देगा। इसलिए आप कोशिश यही करें, इसको बंद डिब्बे में टिफिन में करके ठंडक में रख दीजिए फ्रिज में, फिर ये आपका करेला टाइट हो जाएगा, इसके बाद आप फ्राई कीजिए। देखिए हमने इनको फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारे करेले बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हैं। आप बनाइए, खाइए, फिर कमेंट्स में बताइए कि हमारे करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।